हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज एक और वैकेंसी के साथ हम आ गए हैं जो कि लेटेस्ट होने वाली है। आज की इस लेटेस्ट वैकेंसी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कितनी पोस्ट होने वाली है, क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या फ़ीस रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वैकेंसी जो बताएंगे हम आपको, आज की जो वैकेंसी है वो होने वाली है एम्स भुवनेश्वर से। एम्स भुवनेश्वर से वैकेंसी है। वैकेंसी नोटिफिकेशन या नोटिस फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, 1 जुलाई को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी में देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसीज़ है और बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है। हम यह देख सकते हैं हमारे नर्सिंग से रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपका जो है बी ग्रेड रहने वाला है और लेवल 8 रहेगा। मात्र पोस्ट यहाँ पर 1 दी गई है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली वो आगे हम बताएंगे आपको। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में भी यहाँ पर आपके लिए अच्छी खासी पोस्ट है। 91 पोस्ट दी गई है जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज और भी रिलीज की गई है, कोडिंग क्लर्क, हॉस्पिटल अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट है, नर्सिंग ऑर्डरली की जो कि अच्छी खासी पोस्ट दी गई है, 106 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद और भी वैकेंसीज़ है, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरी टेक्नीशियन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल रिकॉर्डर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसी है, प्लम्बर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर जो है सभी के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की। तो हमारा सबसे पहले जो वैकेंसी थी वो थी पब्लिक हेल्थ नर्स की। तो पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हम देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग, और 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग के साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग विद 4 ईयर आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए कोर्स बीएससी नर्सिंग का, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 100-बेडेड हॉस्पिटल का 3 ईयर्स का यानी कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर देना कंपलसरी होगा। एज की बात करें तो 21 से 35 साल आपकी एज रहने वाली है। तो यहाँ दोनों वैकेंसीज के बारे में हमने जान लिया है। एक वैकेंसी और थी जो थी नर्सिंग ऑर्डरली की। तो नर्सिंग ऑर्डरली की यहाँ पर जो वैकेंसी थी, यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी हम डिटेल बता देते हैं। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट थी नर्सिंग ऑर्डरली की, यहाँ पर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगा गया है। सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हॉस्पिटल
सर्विसेज का जो है वो कोर्स आपका होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो है 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट भी अच्छी खासी थी इसके लिए। आगे आपको कैसे अप्लाई करना होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एप्लीकेशन जो है आपको कैसे अप्लाई करना होगा, कट ऑफ डेट और डेट ऑफ सबमिशन वो सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप देख सकते हैं 3,000 यहाँ पर फीस दी गई है और ST/ST EWS के लिए 2,400 रुपये। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना होगा, तो अप्लाई के लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा ऑफिशियल साइट पर जाकर, aims.bhuvneshwar.nic.in पर जाकर। आपको जो है यहाँ पर पूरे डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड मांगता है तो वो भी अपलोड करना होगा। एज रिलैक्सेशन एक्स पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाला है, जो कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के अनुसार रहेगी एज कट ऑफ। तो ST/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और PWD को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका यहाँ पर रहने वाला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप किसी भी अदर में एम्प्लॉय हैं, किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपको NOC यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी सारी हमने आपको इस वीडियो में शेयर करी है। तो वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।